नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो जीके में टॉपिक है एफसीआई का पेपर है जो 30 सितंबर को हुआ था। इसको हल कराने का मेन उद्देश्य यह है कि हो सकता है कि इसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो होने जा रही एग्ज़ाम जो पुनः परीक्षा होने जा रही है 25 और 26 अक्टूबर को, उसमें पूछा जा सकता है करंट को जो है थोड़ा सा इधर उधर करके। तो चलिए आपका सामान लेते हुए क्वेश्चन हल करते हैं। एफसीआई में जो है एग्ज़ाम 30 सितंबर का केवल जीएस का जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में किसे लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप नियुक्त किया गया है? स्नेहलता श्रीवास्तव को। अगला क्वेश्चन है इसमें, मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? काइलोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? फिजी से। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू कर सकता है? 6 माह के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में स्वस्थ भारत मिशन के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिल्पा शेट्टी। 17 का शिल्पा शेट्टी है, 18 में जो है प्रियंका चोपड़ा है। अगला क्वेश्चन है, दूर संचार कंपनी नोकिया किस देश से संबंधित है? फिनलैंड से। अगला क्वेश्चन है इसमें, एप्सोम इंग्लैंड नामक स्थान किससे संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से यानी घुड़दौड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इसमें, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्र स्थित है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा की मुद्रा क्या है? पीसो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस दिन सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेतु वर्ष 2017 पुनर्निर्वाचित किए गए, क्या नाम है? दलवीर भंडारी। अगला क्वेश्चन है, BCG का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कैलमेट ग्यूग्रीन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री होती पशु बाजार वेबसाइट की शुरुआत की है? ये क्वेश्चन कंफ्यूज है, इसको बाद में जो है आप लोग कमेंट करिए, अगर मिलता है नहीं तो हम फिर खोज रहे हैं इसका, जैसे ही आपको मिलेगा इसको जो है हल कराएंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? कोलकाता का। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा महाद्वीप दुनिया का आधे से अधिक टिन उत्पादित करता है? एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारंपरिक स्रोत है? कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस उपयुक्त सभी है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से राज्य में प्रमुख इस्पात उत्पादन केंद्र है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में ओसाका शहर स्थित है? जापान में। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? कोर। अगला क्वेश्चन है, टू कैस एक प्रकार का है चिड़ियों का। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां धान की पहली बार उगाया गया था? गंगा के तट पर कुलडेवा इलाहाबाद में, ये प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है धान उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका वर्तमान कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, यहीं से चित्रित गुफाएं मिली हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वज्जी की राजधानी कहां पर है? वैशाली है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत रामायण किस लिखी गई है किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद में शामिल दो राज्य कौन कौन है? कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा के सदस्य वयस्क होने चाहिए, इसका आशय यह है कि ये होने चाहिए 21 वर्ष या उससे अधिक। अगला क्वेश्चन है इसमें, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है 22 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में भूरा रंग कौन प्रदर्शन हेतु किया जाता है? पठार के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को हरित करने के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन आई हरियाली लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में राज्य के लिए एक नए प्रतीक की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना उत्तरी कमान में नए जनरल ऑफिसर इन चीफ नियुक्त किया गया है? देवराज सिंह को। अगला क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका में खेले गए T20 मैच श्रृंखला 2018 मैन सीरीज किसको खिताब दिया गया है? भुवनेश्वर कुमार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य शासित प्रदेश में शिक्षा के संबंधित मिशन बुनियाद की शुरुआत की गई? दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2018 का विषय थीम क्या था? टोबैको एंड हार्ट डिजीज। अगला क्वेश्चन है देखिए,
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुकेश कुमार जैन को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के नियुक्त किए गए अब्दुल्ला शाह अब्दुल्ला एंसौर हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में की जनजाति सोरा नृत्य करती है? ललितपुर। अगला क्वेश्चन है, इसमें गोविंद लाल बोरा जिनका हाल ही में निधन किससे थे संबंधित है? पत्रकारिता से थे ये। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप किसे पदभार संभाला है? राजवर्धन सिंह राठौर। अगला क्वेश्चन है, दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के लिए UIDAI ने नीले रंग के बाल आधार कार्ड जारी किए हैं? 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 26 फरवरी 2018 को किस बीमारी के इलाज के लिए वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है? AIDS यानी एड्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, दो दिवसीय जैव ईंधन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 27 फरवरी 2018 को कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, अरुणाबी रेड्डी किस खेल में विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? जिम्नास्टिक। अगला क्वेश्चन है, इसमें हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से वापस हो गया? USA। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कौन से शहर को 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया है? शिलांग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पीटर थॉम्सन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पूरे पशु साम्राज्य को राज्य में कानूनी इकाई घोषित कर दिया गया है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान के तहत मातृत्व मृत्यु दर कम करने के लिए किस राज्य सरकार को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य को सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2018 भारत में किस तारीख को मनाया गया? 29 जून को मनाया गया था ये। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस प्रयोजन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन ने रीयूनाइट लॉन्च किया है? लापता बच्चों की खोज व पता करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 में एक ही समय में एक ही स्थान पर योग करने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या किस शहर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है? देहरादून। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें किसे भारत की भुगतान परिषद यानी PCI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वास पटेल को। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंडों के यहाँ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।